वहीं दुर्ग लोकसभा सीट पर विजय बघेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को हराया। वे 4,38,226 वोटों से जीते हैं। वहीं विजय बघेल को 9,56,497 वोट मिले। वहीं राजेंद्र साहू को 5,18,271 वोट मिले। इस तरह जीत का अंतर 4,38,226 रहा। कुल वोट प्रतिशत 62 रहा। वहीं विजय बघेल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं। विजय बघेल ने जीत पर मीडिया से कहा कि जीत का एक नया रिकॉर्ड आंकड़ों के साथ भाजपा और एनडीए गठबंधन परिणाम को लेकर आया है। विजय बघेल की जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया। 19 से और ज्यादा अधिक मतों से जिताकर जनता ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उस स्नेह को सदा दिल में बसाए हुए दुगुने उत्साह के साथ हम सभी साथी मिलकर उनकी सेवा में लगे रहेंगे। मेरे कर्मठ भाइयों बहनों को जिन्होंने इस चुनाव में 40-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर जो कमल खिलाया, भारतीय जनता पार्टी के अलग जगाया और उसका प्रतिफल आज इतनी बड़ी जीत के अंतर के साथ दुर्ग लोकसभा फिर से एक बार इतिहास बनाया, उसके लिए मैं उनका भी बहुत सदा आभारी रहूँगा, सदा उनको धन्यवाद देता रहूँगा। बिल्कुल मोदी जी के गारंटी पर विश्वास लोगों ने किया है, माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर विश्वास लोगों ने किया है, तभी तो छत्तीसगढ़ में आज इतनी बड़ी जीत हासिल हम सब ने मिलकर की है।